हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज रवि कुमार एंड आई हैव दिस थ्री सेंटेंसेस टुडे। फर्स्ट सेंटेंस कहता है, मैं यह काम करता हूँ। तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से कन्वर्ट करें, क्या इसका स्ट्रक्चर रहे, तो आओ साथियों देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, मैं यह काम करता हूँ, तो इसके साथ आपको यूज करना होता है आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। अगर मैं एक दो सेंटेंस लूँ, मैं कहूँ भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या कहोगे? आई प्ले क्रिकेट। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं नाचता हूँ, आई डांस। ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, आई डांस। मैं क्लास अटेंड करता हूँ, तो आई अटेंड द क्लास। आई अटेंड द क्लास। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। तो दोस्तों, ऐसे ही आप ढेरों सेंटेंसेस बोल सकते हैं, मैं ये काम करता हूँ, यानी ये हमारी हैबिट को बताते हैं, जो भी हमारी आदतें होती हैं उसको बताते हैं, या हमारी रूटीन को ये सेंटेंसेस बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं, मैं यह काम नहीं करता, तो इसमें आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा, आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट अगर है तो डाल दीजिए, आई डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मैं कहूँ इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं पैसे नहीं कमाता हूँ, तो कमाना होता है दोस्तों अर्न, तो आई डू नॉट अर्न मनी। आई डू नॉट अर्न मनी। मैं डांस नहीं करता हूँ, आई डू नॉट डांस। आई डू नॉट डांस। सो यू कैन स्पीक एज मैनी वर्ड्स एज यू वॉन्ट। सो दी सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस आप चाहें बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है दोस्तों, क्या आप यह काम करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा दोस्तों? ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है टू, इसको आप आगे ले आते हो, टू, आप, यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर ये रहा, टू, यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर इसी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कहेंगे भी डू यू प्ले क्रिकेट, तो सेंटेंस क्या बना आपका, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या आप पार्टी अटेंड करते हो, डू यू अटेंड अ पार्टी, डू यू अटेंड अ पार्टी। क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या आप जल्दी उठते हो, डू यू गेट अप अर्ली, डू यू गेट अप अर्ली। क्या आप अपने दांतों को ब्रश करते हो, डू यू ब्रश योर टीथ, डू यू ब्रश योर टीथ। क्या आप अपने कपड़ों को प्रेस करते हो, डू यू आयरन योर क्लॉथ्स, डू यू आयरन योर क्लॉथ्स। तो
दोस्तों, तीन तरीके के जो सेंटेंसेस हैं उनको आज हमने देखा। इनके तहत हम बताते हैं हैबिट या रूटीन को। तो हम सामने वाले से बातचीत भी इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे सामने कोई भी इंसान खड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मैं सेंटेंस थर्ड वाला बोलूँगा उसको, है ना, क्योंकि बिना क्वेश्चन किए हुए आप कभी भी आंसर नहीं दे सकते। तो थर्ड वाला जो है वो क्वेश्चन के बारे में हमें बता रहा है। हम सामने वाले से पूछते हैं, भाई क्या आप पढ़ाई करते हो? तो पढ़ाई करना होता है दोस्तों स्टडी। तो मैं कैसे पूछूंगा, डू यू स्टडी, कैसे पूछूंगा, डू यू स्टडी। अब उसके जवाब मेरे सामने सिर्फ दो हो सकते हैं। या तो वो कहेगा भाई मैं पढ़ाई करता हूँ, तो पहले वाला सेंटेंस क्या कहेगा, आई स्टडी, क्या कहेगा, यस आई स्टडी, ठीक है। या दूसरे वाला सेंटेंस बोलेगा कि मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट स्टडी, क्या कहेगा दोस्तों, आई डू नॉट स्टडी। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, क्या आप टीवी देखते हो? क्या आप टीवी देखते हो? तो क्या कहेगा भाई, डू यू वॉच टीवी। मैंने पूछा कि आप टीवी देखते हो, तो क्या कहूँगा मैं इंग्लिश में, डू यू वॉच टीवी। तो सामने वाला मुझे पलट कर कहेगा जवाब, मैं टीवी देखता हूँ, तो क्या कहेगा, आई वॉच टीवी, ठीक है। या वो कहेगा मैं टीवी नहीं देखता हूँ, तो आई डू नॉट वॉच टीवी। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से अपनी जितनी भी डेली रूटीन के काम है सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, पहले उनकी लिस्ट बना सकते हैं। यस, मैं ये काम करता हूँ और मैं ये काम नहीं करता हूँ, ठीक है। फिर उन्हीं लिस्ट को, उन्हीं कामों को आप अपने किसी फ्रेंड से भी कंफर्म कर सकते हो थर्ड वाले सेंटेंस से कि क्या तुम ये काम करते हो। तो वो काम करता होगा तो उसका जवाब ऐसे होगा, नहीं करता होगा तो उसका जवाब इस सेंटेंस के अंदर होगा, ठीक है। अगर उसको नहीं पता है तो फिर आप उसको बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से हम यहाँ पर रिप्लाई करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, लव यू ऑल।